लोकसभा चुनाव रोचक रहा। जहां कभी दो धुर विरोधी एक साथ आए, वहीं बारामती में ननंद और भाभी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मुकाबले में उतरे। अब ऐसी एक लड़ाई विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। ये लड़ाई ननंद और भाभी में तो नहीं है, लेकिन पिता और पुत्री में जरूर देखने को मिल सकती है। एनसीपी अजीत गुट के मंत्री धर्मराव बाबा अतराम की बेटी भाग्यश्री हलगीकर अतराम ने एनसीपी शरद गुट का दामन थाम लिया है। भाग्यश्री ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होकर उनके पिता धर्मराव बाबा अतराम के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इसके चलते आने वाले विधानसभा में पिता के खिलाफ बेटी की लड़ाई देखने को मिलने की संभावना है। शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने के बाद भाग्यश्री अतराम ने कहा कि शरद पवार ने किसी का घर नहीं तोड़ा है, मैं अपने पिता से सहमत नहीं थी, इसलिए मैंने शरद पवार समूह में शामिल हो गए। अब मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महाविकास आघाड़ी में अहेरी विधानसभा पर कांग्रेस दावा कर रही है। भाग्यश्री अतराम ने कहा कि हम हर किसी को सीट मांगने का अधिकार है, लेकिन कौन सी सीट किस पार्टी के लिए छोड़नी है, इसका फैसला वरिष्ठ नेता लेंगे। जब भाग्यश्री अतराम एनसीपी के शरद पवार गुट में शामिल हुई तो शुरुआत में उन्होंने अपनी माता और धर्मराव बाबा अतराम के चरण स्पर्श का उल्लेख किया। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रकृति बदल गई है, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो जाती। इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, मंत्री अतराम के पास समय नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, अगर उन्हें रोजगार देना था तो पिछले खनन परियोजना में क्यों नहीं दी। भाग्यश्री अतराम ने आरोप लगाया कि कंपनी में चिटफंड के आरोपियों को निदेशक बनाया गया। उन्होंने कहा कि क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ, आदिवासी सेवक पुरस्कार और आदिवासियों को दिया जा रहा है, पुरस्कार किसी योग्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता, गैर आदिवासियों को भी रियायत शर्तों के साथ जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। सुरजागढ़ परियोजना उद्योग ध्यान दे, समस्या मुझसे है, आदिवासी विकास के लिए धन सरकार से मिलता है, वो फंड पूरा खर्च नहीं हुआ है, जनजातीय परियोजनाओं में भीड़ नहीं होती। भाग्यश्री अतराम ने कहा कि महायुति जातियों के बीच दरार पैदा हो रही है, तो आइए अब इस सरकार को बदल दें। उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं तोड़ रही हूँ, धर्मराव बाबा नक्सलियों के कब्जे में थे, तब शरद पवार ने हस्तक्षेप किया, मैंने उनका एहसान चुकाया। अब अजीत दादा ने कहा गलती हो गई है तो गलती खुद सुधार लो, शरद पवार ग्रुप में आ जाओ। 2019 में उनके पिता बीजेपी की राह पर थे, उस वक्त अजीत दादा ने खुद मुझे बीफामा दिया और कहा कि घर तोड़कर खड़े हो जाओ। जयंत पाटिल गवाह है, मैं खुद गौरिया की तरह घूमी हूँ, मैं और बाबा एक नहीं है, मेरा रास्ता अलग है, लेकिन बाबा आज भी राजा के समान प्रतापी हैं, सुधार नहीं हुआ।